ये देखो ये मित्तल मॉल है पूरा बनकर। बहुत पुराना दोस्त है कम से कम हमारी दोस्ती को। और ये मेरे भाई ने उमी भाई ने बताओ कब मिला था अपन ने मूवी देखी थी। कौन सी बाइक को की नैनो चला रही है छोटी सी एकदम जरा सी। ये यहाँ के चंगे जी आ चुके हैं देख सकते हो। ये काफी बढ़िया लग ये और दिखी थी। वाह कितनी सारी हो गई भाई बढ़िया बन रहा है। हमने ट्राई करा माशाल्लाह काफी ज्यादा टेस्टी। हम जा रहे हैं नसीराबाद मेरे भाई की शादी का कार्ड बांटने के लिए गोलू भाई की। और रास्ते में हमारे को मिलेंगे ओमी भाई आदर्श नगर पे वो ऑफिस में अपने तो वहीं मिलेंगे हमारे से। तो अभी हम आदर्श नगर जा रहे हैं वहीं पर ही आपसे मुलाकात करते हैं। और रास्ते में थोड़े बहुत व्यू दिखाते हुए चलते हैं अजमेर शहर के। देखो ये बिल्डिंग मस्त बनी है आ रही चौराहे पे शानदार लगती है अली बिल्डिंग व्यू तगड़ा है इसका। बाकी चलते हैं आदर्श नगर और रास्ते में आपको काफी खूबसूरत व्यू दिखाते हुए। तो ये हमारे अजमेर का मित्तल मॉल है जो कि ओपन हो चुका है। इसकी वीडियो मैंने बना रही है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का इस वीडियो पे भी। ये देखो ये मित्तल मॉल है पूरा बनकर तैयार भी नहीं हुआ यार। उससे पहले इन्होंने ओपन कर दिया। देखो अभी भी बाहर बल्लियाँ वगैरह लगी हुई है और काफ़ी सारा काम बाकी है इसका। शायद मुहूर्त के हिसाब से इन्होंने जल्दी ओपन कर दिया बाकी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। बाकी ये नए ब्रिज है हमारे अजमेर शहर पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू आता है ब्रिज के ऊपर से मस्त लगता है। रेलवे स्टेशन आ चुका है अजमेर जंक्शन। ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो ये तिरंगा झंडा लगता है हमारे वतन का हमारे देश का। देखिए कितनी खूबसूरती से लहर रहा है काफ़ी अच्छा और खूबसूरत व्यू ये देखो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ब्रिज ये नया ब्रिज बना है जब से और भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू हो चुका है अजमेर का। तो भाई हम हमारे दोस्त के नज़दीक पहुंचने वाले ऑफिस के यानी कि हमारे दोस्त ओमी के यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। फिर आपको मुलाकात कराएंगे ओमी से हमारे दोस्त से पुराना दोस्त है काफ़ी पुराना। और ये मान लो हमारी दोस्ती को 10 साल प्लस हो चुके हैं तो आपसे मुलाकात कराते हैं ठीक है। आदर्श नगर पहुंच गए। हमारा भाई है गोलू इसकी शादी में जा रहे हैं हम कार्ड बांटने। तेरी शादी का कार्ड बांटने जा रहे हैं ना भाई हम। हाँ भाई मजा आ रहा है तेरे को शादी के। ये आ गया हमारे दोस्त ओमी। ये अभी इसके सर से फोन पे बात कर रहा है बैंक में क्या करे यार हर जगह काम करना पड़ता है। ये आ गया। हाँ भाई ओमी भाई कैसा लग रहा है कितने साल हो गए होंगे अपनी दोस्ती को है ओमी। ये भाई को याद ही नहीं है मूछे आना शुरू हुई तब से दोस्त। नहीं यार मूछ तो पहले भी आती थी ऐसी बात नहीं है हमारी ऐसी बात नहीं है। मेरा दोस्त है बहुत पुराना दोस्त है कम से कम हमारी दोस्ती को कितने 10 साल प्लस हो गए होंगे। 10 साल प्लस आराम से होगा हमारी दोस्ती को। तो अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं नसीराबाद फिर वहाँ पे और भी दोस्तों से आपकी मुलाकात करेंगे सारे दोस्तों से। आज की वीडियो में मैं मिलाऊंगा आपको। ये मेरा भाई ओमी है असली नाम ओम प्रकाश है ठीक है। अभी हम बकचोदी होगी थोड़ी अभी निखिल भाई से ही मिलेंगे और काफ़ी सारे दोस्तों से आपको मिलाऊंगा नसीराबाद जाने के बाद ठीक है। हमारा दूल्हा नैनो गाड़ी चलाता है। ये बाइकों की नैनो है ये छोटी सी। ये देखो कैसी लग रही है छोटी सी एकदम ही जरा सी नवी। और अभी हम गाड़ी में पहुँच गए और नसीराबाद जा रहे हैं। हमारे और भी दोस्तों से आप लोगों को मुलाकात कराएंगे काफ़ी सारे दोस्त हमारे नसीराबाद के। एक भाई तो हमारे साथ में है ही और भी काफ़ी सारे दोस्तों से और भाइयों से आपकी मुलाकात कराएंगे। और अभी हम घाटी में पहुंच चुके हैं काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से भी घाटी का। अब बस नसीराबाद पहुँचते हैं आपके और भी दोस्तों से मुलाकात कराते हैं। हमारे दूल्हे राजा को देखो बाइकों की नैनो चला रही है छोटी सी एकदम जरा सी। नसीराबाद पहुंच गए हम लोग और हमारे सारे दोस्तों का हमने कॉल कर दिया। हमारे दूल्हे राजा आप लोग देख सकते हैं इनों की चोटी हल्ले पे चल रहे हैं और नसीराबाद एंटर हो चुका हमारा। हमारे दोस्तों का हमने कॉल कर दिया वो आ जाते हैं तो उन से भी आप लोगों की मुलाकात कराते हैं। और नसीराबाद का कचौरा आप लोगों को पता बहुत ज़्यादा फेमस है यार वो भी अगर खाएंगे तो बताएंगे। देखो लक्ष्मी नारायण कचौरा भंडार और पूरी तरफ आपको कचौरा ही कचौरा ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा नसीराबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है नसीराबाद का नसीराबादी कचौरा। स्कूल हमारा कॉलेज गाइस ये कॉलेज है स्कूल है। अच्छा आपके लिए कॉलेज है बाकी ऐसे तो स्कूल है। हाँ ये हम नसीराबाद में आए थे तो मेरे भाइयों को भूख लग गई। ये हमारे दूल्हे राजा गोलू राजा और ये हमारे ओमी भाई इन्हों को भूख लग गई तो अभी हम आए हुए थे बिस्मिल्ला होटल नसीराबाद की होटल है। और जैसे आप नसीराबाद और सरवार शरीफ वाले रूट पे निकलोगे ना इस वाले रूट पे तब आपको ये होटल देखने के लिए मिलेगी। अभी हम इस होटल में जाएंगे खाना ना खाएंगे और मीन्यू भी दिखाएंगे होटल का। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी होटल लग रही है बिस्मिल्ला होटल नाम है इन्हों का।
चलिए अंदर चलते और अंदर का भी आपको दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा कैसी अंदर से। तो अभी हम बिस्मिल्ला होटल के अंदर आ गए और काफ़ी अच्छी थीम लगा रही है यार, काफ़ी बढ़िया थीम लग रही है। देखो अंदर से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और ये हमारे भाई लेकर आए, आपने सजेशन करा ना इस होटल की, इससे पहले खाया आपने कभी यहाँ का? अच्छा है, मतलब ऐसा है कि एक बार खाएंगे तो दोबारा जरूर आओगे। और ये हमारे दूल्हे राजा पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि इन के दूल्हे राजा का बैंड बाजा बजने वाला है। कैसी फीलिंग लग रही तेरी, तेरी शादी होने वाली है 8 तारीख को? तेरा शहीद होने वाला है। और काफी बढ़िया है होटल अंदर से, अभी हम ऑर्डर कर ले रहे हैं, अभी मेन्यू चेक करेंगे इन का क्या क्या चीज अवेलेबल है। और अगर आप वहाँ पे दरबार शरीफ जा रहे हो ज़ियारत के लिए तो एक बार ट्राई आप जरूर करना है यहाँ पर आकर, बिस्मिल्ला होटल में काफ़ी बढ़िया होटल लग रही है। बाकी मेन्यू आप लोगों को दिखाते हैं, क्यों देखते ही हमारे भाई ला है, कैसा नहीं खाता पता पड़ता है। मेरे भाई ने ऑर्डर करा था चंगेजी, रुका नहीं जा रहा, ठीक है ये इन्हों से रुका नहीं जा रहा है, चंगेजी ऑर्डर करी थी, ये यहाँ की चंगेजी आ चुकी है, देख सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया लगा यार, इन्हों का थैली रख कर इसके अंदर सब्जी दे रहे जिससे इन्हों का क्या धोने का टाइम बच जावे। बस ये उठाया जैसे खा लोगे थैली हटा दोगे, इसके अलावा प्लेट अपने पास भी तो है, क्योंकि अपन भी नहीं चाहेंगे ना कि अगर साफ हो प्लेट हो या नहीं हो, हमेशा नहीं थैली ले लेंगे। हाँ ये भी चीज़ सही है कि अपन भी कन्फ्यूज नहीं रहेंगे इस चीज़ को लेकर के प्लेट सही धुली या नहीं धुली है। चलो आप खाकर देखते कैसा है कैसा नहीं है, मसाला इसका कैसा टेस्टी है कैसा नहीं है, वो भी आप लोगों को पूरा कंफर्म कर बताएंगे कि भाई ये चंगेजी का टेस्ट कैसा है। जैसे कि आपको पता है गगवाना की सबसे ज्यादा फेमस है चंगेजी, गगवाना के नीचे ये कहीं भी आप खा लो गगवाना के नीचे ही मिलेगी चंगेजी। पर ट्राई करते है इसका खाकर के इनो की कैसी चंगेजी है ना। अभी इनो का टेस्ट तो कर लिया हमने, पर आपको भी टेस्ट कराना जरूरी है इस चीज का दिखाना। काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को चिकन खाकर, और ये मेरे भाई ने उमी भाई ने ये वाला भी ऑर्डर मंगाया चिकन कौरमा, तो ये भी टेस्ट कर लेते एक बार और आप लोगों को बता देते कि कैसा टेस्ट है, कि अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ से निकल रहे हो तो एक बार चेकआउट जरूर करना बिस्मिल्ला होटल। तो यार चिकन कौरमा भी काफ़ी बढ़िया है, काफी मस्त टेस्ट है इसका। और अब मेरा भाई भी टेस्ट करेंगे, एक बार तुम टेस्ट करो, काफी बढ़िया लगा मेरे को तो टेस्ट काफी बढ़िया लगा यार। चंगेजी का ही मस्त है और ये चिकन कोरमे का बताओ कैसा लगा। एक नंबर तेरे को कैसा लगा चिकन कोरमा, मस्त लगा? हे यार स्वाद है काफी बढ़िया स्वाद है, एक नंबर मतलब बेस्ट। अगर आप यहाँ से निकल रहे हो ना नसीराबाद से बाहर वाले रूट से, तो एक बार चेकआउट जरूर करना आप लोग बिस्मिल्ला होटल। तो भाई अभी हम खाना ना खाकर निकले भाई बिस्मिल्ला होटल से, और हमने चंगेजी भी ट्राई करी इन्हों की, और जो चिकन कौरमा वो भी ट्राई करा, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेरे को स्वाद लगा। अगर आप सरवार शरीफ ज्यारत के लिए आ रहे तो इसी रूट से आपकी अधिकतर गाड़ी निकलती होगी, तो एक बार आप ट्राई जरूर करें बिस्मिल्ला होटल आने की, और काफ़ी ज़्यादा वेरायटी देखने के लिए मिलती है भाईजान के होटल पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो आपको शोरमा भी देखने के लिए मिल जाएगा, एकदम बढ़िया बन रहा है, हमने ट्राई करा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टेस्टी स्वाद था इन भाई के होटल का। और आप लोग जरूर आ रहे हो ना सरवार शरीफ तो ट्राई आउट जरूर करें बिस्मिल्ला होटल, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्वाद था चाचा आपके। हाँ, हमारे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हाँ बस चाचा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और ये मेरा भाई हमेशा यहीं पर ही खा कर जाते हैं उम्मीद भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बिरयानी भी भाई भाईजान के पास में है, ये देखो हैदराबादी बिरयानी। और कौन कौन से बिरयानी में वेरायटी है अपने पास? मुरादाबादी बनाते हैं, मुरादाबादी बनाते हैं। हाँ, ये देखो अच्छा अभी मतलब हैदराबादी भी है मुरादाबादी भी बिरयानी है अपने पास में ना। ये चंगेजी आप लोगों को दिखा देते हैं, देखो हाँ चंगेजी का स्टाइल अलग है, पर माशाल्लाह काफी ज्यादा स्वाद टेस्टी था, हमने ट्राई करा चिकन कोरमा भी और चिकन चंगेजी भी, माशाल्लाह काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और जरूर आप आओ सरवार शरीफ, तो यहीं से अधिकतर गाड़ी निकलती मेन हाईवे से, तो ट्राई जरूर करना बिस्मिल्ला होटल, माशाल्लाह काफी स्वादिष्ट चिकन चंगेजी कोरमा बिरयानी शोरमा जो चीज बोलोगे भाईजान के होटल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा माशाल्लाह। अजीत भाई के रेस्टोरेंट हम पहुंच गए कार्ड देने के लिए, और ये हमारे दूल्हे राजा और हमारे ओमी भैया इमली तोड़ रहे हैं। तोड़ा यार इमली तो तोड़ा, थोड़ी बहुत तोड़ी क्या? अरे वाह यार काफी बढ़िया, ये देखो इमली तोड़ ली हमने, मस्त है। और ये पास में कुआं है देखो, ये पूरा कुआं पता है
सूख रखा है, मतलब बंजर हो रखा है कुआं, ये देखो पूरा भूर रखा है और बंजर हो रखा है। और ये देखो ये जो थिएटर आप देख रहे हो ना नसीराबाद का, ये थिएटर है सबसे पुराना और सबसे डरावना थिएटर है। यहाँ पर हर कोई एकदम ही नहीं आ पाता, बहुत डरावना थिएटर बताते ही है। और मैंने कहा है भैया को कि परमिशन दे दो अंदर जाने की, हम वीडियो बना लेंगे, एक नाइट शूट कर लेंगे इसके अंदर में। तो आप लोग बताना इस थिएटर में नाइट शूट करे या नहीं करे। और ये देखो ये दोनों भाइयों को ये मिली तोड़ने में लगे। अबे भाई पहले नीचे देख कर ही तोड़ना ही मिली, माता मत फोड़ लेना एक दूसरे का। दे टूटी नहीं टूटी, बाकी देखो वो भाई कितनी सारी इमली होगी हमारे पास में, बहुत सारी इमली होगी भाई। बढ़िया है, तोड़ लो शाम से पहले पहले तो बढ़िया है। और अभी रोहित भाई से भी आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं, और निखिल भाई आ जाए तो निखिल भाई से भी मुलाकात करवाते हैं, वो भी हमारे दोस्त है बहुत पुराने। बाकी एक तिलोक भाई है तो जयपुर गए हुए है नेवी के एग्जाम देने के लिए, नेवी के एग्जाम ही देने के लिए गए ना तिलोक भाई, नेवी के एग्जाम देने के लिए। वो गिरी गिरी और गिरी भाई, बहुत सारी ये और गिरी, वाह कितनी सारी हो गई भाई। बाकी तिलोक भाई तो नेवी के एग्जाम दे रहे गए हुए, शादी में आएंगे तो उन्होंने मुलाकात जरूर करवाएंगे आप लोगों की भाई। शादी का कार्ड दे दिया हमारे निखिल भाई को। निखिल भाई आओगे ना शादी में? किसकी शादी पता है ना? हा? इसकी खुद की है, पास में जो बैठा हुआ इसकी 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 शादी है। प्री वेडिंग शूट देखा ना इसका? तुमने नहीं देखा प्री वेड शूट इसका? ये भाई इसकी शादी हो रही है, इसकी प्री वेडिंग शूट हुई है शानदार वाली, खतरनाक। और पता है वायरल भी हुआ इसका प्री वेडिंग शूट, अपलोड होती वायरल, पता है खतरनाक वाला। हाँ 1.5 मिलियन गए इसकी प्री वेडिंग शूट में। और है हमारे निखिल भाई है, हमारी दोस्ती हुई कितना टाइम हो गया अपनी दोस्ती का? 10-12 साल। अब देखो एक चीज आपको पता होगी कि चलो किस टाइम मिले थे अपन को, ये याद है? बताओ कब मिले थे अपन ने? मूवी देखी थी। कौन सी? सलमान खान की मूवी थी। कौन सी? रेडी रेडी बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान मर्डन नहीं, बजरंगी भाईजान बम फोड़े तो ये भी साथ में तो बम फोड़े नहीं 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 था, बजरंगी भाईजान मर्डन याद है? उम्मी के साथ में आए थे, ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ था याद है? वहाँ मुलाकात हुई थी और वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में मतलब मान लो अभी बजरंगी भाईजान, नहीं नहीं काम बिहार बजरंगी भाईजान को भी आए हुए 7-8 साल से तो ज्यादा हो गए, इजी 6 साल मेरी शादी को चल रहा है, तो ये मान लो 8-9 साल के लमसम हो गए। तो ये भी हमारे भाई है, और एक भाई वहाँ पे बैठे हुए हमारे रोहित भाई, हमारी दोस्ती को टोटल 10 साल मान लो, 8-9 साल निखिल भाई को हो गए। ये दिख रहे ना एक मॉडल, इन्हों को 10 साल हो गए इन्हों की दोस्ती को, है ना? ये पहले मिल गए थे, ये क्या नाम है ओमी भाई के बाद में निखिल भाई से मुलाकात हुई, निखिल भाई के बाद में रोहित भाई से मुलाकात हुई, ऐसी हमारी दोस्ती बढ़ती गई बढ़ती गई। अभी तिलोक भाई भी हमारा भाई है और उमेश भाई है, काफ़ी सारे दोस्त है। इंशाल्लाह और कभी वीडियो में और कभी ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे जब फ्री टाइम में आएगा। अभी बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है, घर भी निकलना है, तो काफ़ी बढ़िया रहा है यार। बहुत टाइम बाद में 1-2 साल बाद में मिले हम कम से कम, क्योंकि यार देखो इनो की भी शादी हो गई, थोड़ी जिम्मेदारी है इनो की बढ़ गई मान सकता हूँ मैं, वो मेरे भाई की भी शादी हो गई, इनो की भी जिम्मेदारी बढ़ गई हमारी ही बढ़ गई, और ये एक जो है लोंडा इसकी भी शादी होकर इसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और ये भी इसका भी मकबरा बनाया जाएगा इंशाल्लाह, ऐसा मसला हो जाएगा। अफसोस है इसका भी, फिर 1.5-2 साल बाद में मुलाकात हुई है, अब शादी में मुलाकात हुई उसका भी पूरा भाई की शादी कवर करेंगे हम, और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से इसकी शादी मनाएंगे। तो अब घर निकलेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना यार, ठीक है? जब तक के लिए बाय बाय।